बेटा आज तुझे फांसी होने वाली है। पर मेरी फांसी तो 20 दिन बाद होने वाली थी। हाँ पता है, जेलर साहब कह गए हैं तो उन्हीं के गांव का है, इसलिए तेरा काम सबसे पहले होगा। अरे भाई साहब, आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है बताइए। मैं जा रहा हूँ। भाई कहीं जाइए मत बताइए, मैं जा रहा हूँ। मेरा सवाल ही कुछ गड़बड़ है क्या, जिससे पूछो सब बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। बच्चों, जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। यह बताओ एक साल में कितने रात्रि होते हैं? मास्टर जी एक साल में 10 रात्रि होते हैं। वो कैसे? मास्टर जी 9 दिन नवरात्रि, 1 दिन शिवरात्रि। पापा पापा बहुत ज्यादा भूख लगा है, खाने को दे दो ना। बेटा भात खाएगा? नहीं पापा। बेटा चावल खाएगा? नहीं पापा। बेटा पूरी खाएगा? नहीं पापा। नलायक लगता है तू भी अपने बाप की तरह चप्पल खाएगा। पापा पहले आप चप्पल खाते थे क्या? मटर 15 फलों का नाम बताओ वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। जी बताता हूँ। oh, no. आम, लीची, अंगूर और आगे बताओ वरना अभी खत्म तुम। जी एक दर्जन केरा। आलू मामा एक सवाल पूछता हूँ, बता दीजिएगा। यह बताइए, आदमी रोता है तो आंसू गिरते हैं, लेकिन हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरते? अरे बेटा, आदमी पानी पीता इसलिए तो आंसू गिरते हैं, आदमी दांत थोड़ी कहता है कि दांत गिरेंगे। बुढ़बक। ए भैंस ले लो, भैंस ले लो, भैंस ले लो, मोटी काली भैंस ले लो, दूध देने वाली भैंस ले लो। ए भैया, तुम्हारी भैंसिया कितनी की बिक रही है? अरे भाई साहेब, हमारी भैंसिया 25,000 रुपया का बिक रही है, लेना है क्या? भैया आपकी भैंसिया की तो एक आँख फूटी हुई है। अरे बुढ़बक, तुम भैंस खरीदने आया है या इसे नैन मटक्का करने आया है? बुढ़बक कहीं का। का हुआ बच्चा, बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई समस्या है क्या? पूछो मत बाबा जी, शादी कट गई। वो कैसे? अरे बाबा जी, लड़की वाले रिश्ता लेकर आए थे, घर वाले ने बोल दिया लड़का बीए पढ़ा है, और जब हमसे पूछे कहाँ तक पढ़े हो, हमने बोल दिया साफ दोपहर तक पढ़े हैं, ससुर शादी कट गई। बेटा ऐसी चाय बनाओ कि लोग पीकर डांस करने लगे। भैंस की दूध की चाय बना रहे हैं, कोई नागिन की दूध की नहीं कि लोग पीकर डांस करने लगेंगे। पिताजी आपके लिए खुशखबरी है, आप बहुत किस्मत वाले हैं। वो कैसे बेटा? पिताजी मैं दोबारा फेल हो चुका हूँ, अब आपको दूसरी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी।